हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसे। एज यू हैव ऑनलाइन क्लास है 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8th तरल मोजेक प्रतिरूप फ्लूइड मोजेक मॉडल, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है तरल क्रिमिल नमूना। इसका प्रतिपादन निकोलसन प्रतिपादन जो है वो निकोलसन व सिंगर 1972 ईस्वी में, डाल सकते हैं 1972 में निकोलसन व सिंगर के द्वारा किया गया। मॉडल का जो आधार माना गया, मॉडल का आधार, किस आधार पर इन्होंने अपना एक प्रतिरूप मॉडल दिया, वो है कोशिका झिल्ली की क्रियाविधि। कोशिका झिल्ली की क्रियाविधि, कोशिका झिल्ली की क्रियाविधि को आधार मानते हुए इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जीव द्रव्य कला जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी, जीव द्रव्य कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी, प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। इस झिल्ली के भीतरी भाग में लिपिड के दो स्तर पाए जाते हैं। भीतरी भाग जो होता है उसमें लिपिड के दो स्तर पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन दो प्रकार से लगी होती है। प्रोटीन वाला जो स्तर है वो इसमें दो प्रकार से लगी होती है। प्रोटीन बाहर की साइड पाई जाती है, तो अंदर की साइड लिपिड होता है, तो अंदर की साइड लगे हुए जो लिपिड है उसके दोनों स्तरों में दो प्रकार से प्रोटीन लगी रहती है। इसमें से सबसे पहले बाह्य प्रोटीन जो होती है उसको परिधीय प्रोटीन भी बोलते हैं। परिधीय प्रोटीन, सेकंड आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक जो प्रोटीन होती है उसको समाकल प्रोटीन भी कहा जाता है। समाकल प्रोटीन इसको बोला जाता है। फॉस्फोलिपिड जो है यहां पर, इसकी प्रकृति जो होती है वो अर्ध तरलीय होती है। अर्ध तरलीय प्रकृति का यह होता है। इसकी संरचना जो होती है उसमें देखेंगे, इसमें किस प्रकार से लिपिड के जो स्तर होते हैं उसमें प्रोटीन दो प्रकार से, किस प्रकार से लगी होती है। इसके अंदर सबसे पहले लिपिड का जो स्तर होता है वो बनाना है यहां से, कि दो स्तर हैं लिपिड के जो कि एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। के अंदर दूसरा स्तर है जो कि जस्ट इसके विपरीत स्थित होता है। इसके अंदर प्रोटीन जो होती है वो दो प्रकार से लगी होती है। एक होती है बाह्य प्रोटीन जो कि बाहर की ओर स्थित रहती है, और एक होती है आंतरिक प्रोटीन, इसको समाकल प्रोटीन भी कहा जाता है।
इसके अंदर प्रोटीन जो लगी है वो इस प्रकार से इसमें लगी रहती है। प्रोटीन जो है यहां पर लगी होती है, जो कि एक प्रोटीन है वो यहां है, इसमें लगी रहती है। प्रोटीन हो गई यहां, इस प्रकार से इसमें प्रोटीन लगी होती है। ये अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये ग्लाइकोलिपिड का होता है। ग्लाइको लिपिड ये वाला पार्ट ये ग्लाइकोलिपिड का होता है। अब जहां पर ये वाले प्रोटीन ये इधर से और यहां जो कि बाहर की ओर पाई जाती है इनको बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन और ये वाली जो प्रोटीन है जो कि इसके कंप्लीट आंतरिक भाग में है उसे आंतरिक या फिर समाकल प्रोटीन बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो प्रोटीन है वो दो प्रकार से लगी हुई है। एक तो इसके बाहर परिधि की ओर लगी होती है कि ये बाह्य प्रोटीन या फिर परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। एक इसके आंतरिक भाग के अंदर स्थित होती है उनको बोलते हैं आंतरिक या समाकल प्रोटीन। और इस प्रकार से ये जो जाल है वो प्रोटीन का जाल होता है। प्रोटीन का जाल इसके चारों तरफ फैला होता है। तो इस प्रकार तरल मोजेक प्रतिरूप जो है उसकी संरचना वो हमने यहां पर देखी, उसका अध्ययन किया। इसके बाद में कोशिका झिल्ली जो होती है उसके कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में देखेंगे यहां पर। उसमें कोशिका वृद्धि, कोशिका की जो वृद्धि होती है उसके अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके कार्यों में कोशिका वृद्धि, इसके बाद कोशिका विभाजन, कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पदार्थों का श्रावण, पदार्थों का श्रावण, विभिन्न पदार्थ जो होते हैं वो इसके द्वारा श्रावित होते हैं। ये चयनात्मक होती है, ये भी इसका अगर चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, यानी कि इसके द्वारा बाहर जाने वाले जो पदार्थ हैं या फिर अंदर वाले इससे होकर गुजरने वाले जो पदार्थ हैं उनका चयन करती है। कुछ पदार्थ इसमें से होकर गुजर सकते हैं, कुछ पदार्थ इसमें से नहीं जा सकते। इसके अलावा सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन ये भी इसके द्वारा किया जाता है। सक्रिय परिवहन जो होता है इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, इसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सक्रिय परिवहन कहलाता है। दूसरा है निष्क्रिय परिवहन, इसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर इसका अभिगमन होता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसके जो कार्य हैं वो भी इसमें कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से जो कोशिका झिल्ली होती है उसके सभी जो मॉडल हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। धन्यवाद।